मैं आशुतोष जानी हूँ, अहमदाबाद गुजरात से। और पढ़ाई मैंने की थी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में मास्टर्स किया थर्मल इंजीनियरिंग में IIT मद्रास से। करने के बाद में टाटा मोटर्स में कुछ समय के लिए मैंने जॉब की, और उसके बाद में अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कुछ काम किया। और उसके बाद में हम लोग गाँव में बच्चों को शौकिया तौर पर पढ़ाने लगे, और वहाँ से फिर गाँव को जानने की हमारी जर्नी प्रारंभ हुई। कुछ अनुभव जैसे सबको होते, वैसे हमको भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे। जब मैं IIT में पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर किसी एक बच्चे को मैंने देखा जो चाय की दुकान पे काम कर रहा था। और उसने, जब मैंने चाय मंगवाई, उसने दी और मुझसे हिंदी में बात की, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि चेन्नई में एक अनपढ़ सा दिखने वाला लड़का हिंदी कैसे बोल रहा है। वहाँ पे तो बहुत कम लोगों को हिंदी आती है। तो फिर जब उससे बात की, तो वो बताया, उसने बताया कि वो बिहार का रहने वाला था और यहाँ पे चाय की दुकान पे नौकरी कर रहा था, और महीने के 1000 रुपये कमाता था, जिसमें से कुछ पैसे वो अपने दुकान वाला उसका मामा ही था, कुछ पैसे मामों को देता था, कुछ पैसे खर्च करता था, कुछ बचा के रखता था, कुछ अपने गांव भेजता था। तो तब पहली बार पता चला कि 1000 रुपये के भी 4 हिस्से होते हैं। तब तक तो ये पता नहीं था। और फिर लगा कि शिक्षा के ऊपर कुछ काम होना चाहिए, और फिर शिक्षा के ऊपर हमने काम करना चालू किया। और जब शिक्षा पे काम करना चालू किया, तो वो यात्रा अलग अलग दिशा में ले गई, और हम शिक्षा को जो समझते थे, उससे काफ़ी अलग स्वरूप हमारे सामने आया, और वो अलग स्वरूप के हिसाब से फिर हमारी यात्रा आगे चली। जी, आपका देश के हर कोने में मित्र है, कोई ना कोई आपका फ्रेंड है। तो हमारे बच्चों का ड्रीम होता है वो जिंदगी में IIT करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़ा पैकेज मिलेगा। आपने IIT अहमदाबाद से, आज से बेंगलोर से की, चेन्नई से की, और इतना समय पहले आपने वो ड्रीम जो हासिल कर लिया, उसके बाद छोड़ के आप गांव देहात में जाना चाहते हो। जो जर्नी कैसी रही, जो कैसे आपके माइंड में आया? नहीं, हमने तो पहले, हमको लग रहा था कि हम थोड़ा सा कुछ काम करें, एजुकेशन के ऊपर काम करें। गांव को भी देखा नहीं था, तो हम सोच रहे थे कि गांव के बेचारे बच्चों को जाकर थोड़ा पढ़ाएंगे, देश का भविष्य सुधारेंगे, ये सब कोशिश थी। तो जब गांव में जाना चालू किया, ये सब करना चालू किया, तो अक्सर लोगों को दिखता है कि ये तो बेचारे गरीब लोग हैं, ऐसे है वैसे है। हमने जब जाकर देखा, तो पता चला, अरे इनके पास तो इतने बड़े खेत हैं, हमारे पास क्या है इसके सामने। तो इनका जो जो रहन सहन था और जो सोच थी आने वाले लोगों की तरफ, इनका जो रवैया था, वो सब चीज़ें हमें इतनी बढ़िया लगी। और धीरे धीरे फिर हमने अपने गांव को जानने की कोशिश की। फिर हम शिक्षा के ऊपर काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब हमारे पढ़ाने में ज़्यादातर तो आजकल के जो स्कूली सब्जेक्ट्स है, उसी के ऊपर था। साथ ही साथ में उनको अपने गांव के बारे में जागरूक करने की कोशिश थी। फिर हमें पता चला कि ये ऐसी शिक्षा है कि जिससे कुम्हार के बेटे को मिट्टी का काम करना एक नीचा काम लगता है। हम कहते तो है कि हम बराबरी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बातें करते हैं, लेकिन आज की शिक्षा इनडायरेक्टली किसान को खेत से दूर ले जाती है। आज की शिक्षा इनडायरेक्टली एक लोहार को लोहे के काम से दूर ले जाती है। आज की शिक्षा एक बड़े को लकड़ी के काम से दूर ले जाती है। तो ये हमें समझ में आया कि ये कुछ इस तरह की एजुकेशन सिस्टम है कि जो लोगों को अपने बाप दादाओं का जो व्यवसाय था, उससे दूर ले जा करके कारखानों में, फैक्ट्रियों में लेबर के रूप में वहाँ पर काम करने के ऊपर विवश कर देती है। तो ये हमें समझ में आया कि ये सिस्टम तो बेसिकली, जो हमारे यहाँ एक एक लोहार है वो अपनी भट्टी का राजा होता है, एक बढ़ई जो है वो अपने लकड़ी के साधनों का राजा होता है, एक किसान अपने खेत का राजा होता है। तो ये सब राजाओं को राजा मिटा करके गुलाम बनाने की जो कोशिश है कि इन सबको फैक्ट्री के अंदर काम करना है। और ये ना एक अपने आप में बहुत बड़ा भुलावा है कि हमको ये बताया जाता है कि जो फैक्ट्री में बन सकता है वो गाँव में नहीं बन सकता है। हमने गाँव में कारीगरों के हाथ से ऐसी ऐसी चीज़ों को बनते देखा है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकती है। लेकिन ये देखने के लिए हमको दृष्टि चाहिए। हम अगर गाँव में गंदगी और गरीबी देखना चाहेंगे, तो हमको वो दिखेगा। हमने वहाँ पर सुंदरता और पूर्णता को देखने की कोशिश की, वो दिखा। फिर हमारी जो खोज थी, उसके सिलसिले में हम पूरा देश घूमे। देश में काफ़ी सारी जगहों पर, पूर्वी क्षेत्र में भी जाना बाकी है, बाकी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में काफ़ी गाँवों में गए, छोटे छोटे गाँवों में जिनका शायद नक्शे पे नाम भी ना हो, वैसे गाँवों में गए, कुछ संस्थाओं से मिले जिन्होंने 30-40 साल तक किसी एक क्षेत्र में काम किया हो, उनकी साधना को देखा। और ये सब करते कराते हमने भारत की असली आत्मा को, भारत के गाँव को देखा, समझा, और उसके हिसाब से हमें फिर सबसे पहले तो ये समझ में आया कि हमें गांव में रहना चाहिए। हम गांव को जो बेनिफिशियरी के रूप में देखते हैं, वो गलत बात है। मतलब गांव में से जो दूध आता है, गांव में से जो अनाज आता है, गांव में से जो सब्जी आती है, वो नहीं आएगी तो आप क्या ही कर लोगे। तो जो बेसिक एसेंशियल्स है, वो तो वहाँ से फुलफिल होता है, और हमें लगता है कि हम उनका उद्धार करेंगे। तो ये एक जो एरोगेंस हमारे अनजाने ही हमारे अंदर घुस कर बैठी है, उससे हमने मुक्त होने की कोशिश की। और हमने गांव में एक जगह पे जमीन ली थोड़ी सी, वहाँ पर एक घर बनाया। घर बनाने में भी काफ़ी रुचि है हमारी, तो ट्रेडिशनल हाउसिंग कैसे होती थी, सीमेंट से सस्ती, सीमेंट से टिकाऊ, सीमेंट से मजबूत,
और सीमेंट से सुंदर और सीमेंट से अच्छी, इस तरह की इमारतें कैसे बन सकती है, इसके ऊपर हमने कुछ काम किया और हमारा घर भी उस तरह से हमने बनाया है और आगे चल के उसी तरह की कोशिश रहेगी कि जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर काम करती है। वो सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी वेल्थ है, वो सबको एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करती है। हमारी कोशिश ये है कि पहले जो व्यवस्था थी हमारी, उस दिशा में जाया जाए कि जहाँ पर किसी को किसी भी बात की कोई भी स्कैर्सिटी ना हो। डिज़ाइन फॉर एबंडेंस हमारे गाँव में हुआ करती थी, जिसे आज डिज़ाइन फॉर स्कैर्सिटी की दिशा में ले जाया जा रहा है, और उसके लिए हथियार है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उसके लिए हथियार है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके लिए हथियार है मॉडर्न साइंस। साइंस में भी बड़ा फ़र्क है कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल को मैं एक दूसरे का विरोधी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दोनों का रवैया ही पूरा अलग है, पूरा का पूरा अलग है। तो ट्रेडिशनल साइंसेस को जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि जिस धरातल पे वो खड़ा है और जिस धरातल पे आधुनिक विज्ञान खड़ा है, दोनों एकदम अलग है। ट्रेडिशनल साइंस का पर्पज़ होता था आपके जीवन को व्यवस्थित करना, मॉडर्न साइंस का पर्पज़ है आपके बिजनेस को बढ़ाना, आपकी इकोनॉमी को बढ़ाना। तो ये दोनों अलग है, एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। तो गांव में जाकर ये विजडम को हमने देखा, ये विजडम को हमने जाना और हम अभी भी उससे सीख रहे हैं, इम्बाइब कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं और जो दो बातें चार बातें हमको पता है वो हम लोगों को बताते हैं, और इसी तरह का काम चलता है। मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, लकड़ी की मूर्तियाँ बनाते हैं, खादी का काम करते हैं, आयुर्वेद का थोड़ा बहुत कुछ सीखने समझने की कोशिश है, पेड़ पौधों को जानने समझने की कुछ कोशिश है, और बस इसी तरह के कामों को लेकर के कुछ चल रहा है धीरे धीरे। और आप कभी हमारे यहाँ पर आना चाहेंगे तो आप सबका स्वागत है। नमस्कार।